वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस रोमांस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, टुडेज आवर टॉपिक इज रोटा वायरस। रोटा वायरस के बारे में फुल डिटेल स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर रोटा वायरस की, देन क्लासिफिकेशन, देन पैथोजेनेसिस, देन क्लिनिकल फीचर्स, देन लैब डायग्नोसिस एंड देन लास्ट में ट्रीटमेंट। तो गाइज, बहुत ईजी वीडियो है, स्टोरी के फॉर्म में पूरा वीडियो पढ़ेंगे, तो बिना स्किप करे पूरी वीडियो आपको देखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, कि रोटा वायरस आया कहाँ से, रोटा वायरस के पूर्वज कौन है, ठीक है, इसकी जनरेशन कौन है, ठीक है। तो गाइस, रोटा वायरस जो है, रोटा वायरस की फैमिली है, उसके पूर्वज है रियोवायरिडी। रियोवायरिडी एक वायरसेस की फैमिली है। ये क्या है? वायरसेस की फैमिली है, वायरसेस की फैमिली है, ठीक है। इस फैमिली के अंदर तीन जेनरा होते हैं। इस फैमिली के अंदर कितने जेनरा होते हैं? तीन जेनरा होते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th 12th में फैमिली, जेनरा, ठीक है, ये स्पेसीज, ठीक है। इस फैमिली के अंदर तीन जेनरा होते हैं, रियो वायरस, ओरबी वायरस एंड देन रोटा वायरस। हमें क्या पढ़ना है? ये तीसरा वाला जेनरा, रोटा वायरस। तो समझ में आ गया कि रोटा वायरस आ कहाँ से रहा है। तो ये दिमाग में फीड होना चाहिए कि रोटा वायरस का बैकग्राउंड क्या है। आगे चलते हैं कि स्ट्रक्चर रोटा वायरस की कैसी होती है। गाइस, हमने आपको बेसिक वायरोलॉजी में बताया था, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। मान लो इस जेनेटिक मटेरियल वायरस, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल वायरस का है। इसको कवर करता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड, ठीक। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ये बेसिक में बताया था हमने, वापस बता रहा हूँ। और कई कई वायरस में इस कैप्सिड के ऊपर एक लिपिड इनलप होता है। ये क्या है? लिपिड इनलप। ये क्या है? लिपिड इनलप, लिपिड इनलप, ठीक है, लिपिड इनलप हो गया, ठीक। तो ये पूरी स्ट्रक्चर होगी वायरस की। अब गाइज, ये क्या है? रेड वाला इनलप है, ठीक है। जिन वायरस के अंदर ये रेड वाला इनलप पाया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं इनलप्ड वायरस, इनलप्ड वायरस, पता है आपको। और जिसके अंदर ये रेड वाला नहीं पाया जाता, इसे हम बोलते हैं नॉन इनलप्ड वायरस, नॉन इनलप्ड वायरस। समझ में आया? क्लियर होगी, ठीक है बात। अब ये क्या था? जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल को कौन कवर कर रहा है? कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है। कैप्सिड क्या होती है? प्रोटीन का बना हुआ होता है कैप्सिड, ठीक है। अब मैंने ये बेसिक चीजें क्यों बताई यहाँ पे, क्या जरूरत थी मुझे यहाँ बताने की? तो यहाँ पे देखिए, जो जो ये आप बात कर रहे हैं रोटा वायरस की, ठीक है, ये क्या होता है रोटा वायरस? ये नॉन इनवॉल्व्ड वायरस होता है, नॉन इनवॉल्व्ड वायरस है। नॉन इनवॉल्व्ड वायरस मतलब इसके अंदर जो रेडिस रेडिस स्ट्रक्चर है, ये अब्जेंट होती है, ये नहीं होती, ठीक है, रेडिस स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो है भाई, जेनेटिक मटेरियल तो अंदर है, पड़ा है, ठीक। अब कैप्सिड इसके अंदर होता है, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है गाइस, कैप्सिड जो होता है तीन लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है रोटा वायरस में, थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है रोटा वायरस में कैप्सिड, ठीक है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? कैप्सिड की लेयर्स, कैप्सिड, ठीक है। तीन लेयर हो गया कैप्सिड का, कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर डायग्राम में देखिए, आउटर कैप्सिड, आउटर कैप्सिड, मैंने क्या बताया? कैप्सिड क्या होती है? प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है। ये आउटर कैप्सिड है, और ये किन प्रोटीन का बना होता है? VP8, VP5, VP7 दिख रहा है आपको आउटर कैप्सिड, ये ग्रीन वाला, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कैप्सिड जो है, ये देखो इंटरमीडिएट कैप्सिड, बाहर से थोड़ा सा अंदर जाओ, ये मैं ब्लू ब्लू मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये है इंटरमीडिएट कैप्सिड। ये किस कौन सा प्रोटीन का बना होता है? VP6 प्रोटीन का, वायरल प्रोटीन नंबर 6, क्लियर। नेक्स्ट है गाइस, इनर कैप्सिड। इनर कैप्सिड देखिए, ये VP2 इनर कैप्सिड, इनर कैप्सिड जो है, इनर कैप्सिड दिख रहा है अंदर, अंदर वाला, ये वाला ब्लैक से करूंगा मैं, ये वाला देखो, ये वाला, ये क्या है? इनर कैप्सिड है पूरा। ये क्या है? इनर कैप्सिड। ये VP2 प्रोटीन से बना हुआ रहता है। समझ में आ गया? तो गाइज, ये सारी स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है, कि इनलप नहीं होता, 100 नैनोमीटर का साइज होती है इसकी। और आरएनए वायरस जो, जीनोम जो है, ये क्या है? आरएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। एंड ट्रिपल लेयर्ड कैप्सिड होता है सराउंडिंग ए वायरल जीनोम, वायरल जीनोम को कवर करता है ट्रिपल लेयर्ड ये कैप्सिड होता है, क्लियर। ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब हम आगे चलें कि जेनेटिक मटेरियल की हम बात किया, हमने बात की ये जेनेटिक मटेरियल साहब, और इसके चारों ओर ट्रिपल लेयर्ड कैप्सिड प्रेजेंट हो गया, ये बात हमने की। अब जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसके 11 सेगमेंट होते हैं, क्लियर। और जो आरएनए सेगमेंट्स हैं, ये जो आरएनए सेगमेंट है, ये आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए है अंदर, ठीक। ये आरएनए जो डबल स्टैंडर्ड है, इसके 11 सेगमेंट हो गए, और ये जो आरएनए सेगमेंट होते हैं, ये कोड करते हैं 6 स्ट्रक्चरल प्रोटीन।
आपने जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये प्रोटीन्स देखे थे VP8, VPA, VP7, ये इनको कोड कौन करता है, इनको बनाने की इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, ये आरएनए के पास ही होती है, ठीक है। तो आरएनए सेगमेंट जो होता है कोड 46 स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन कौन से हैं, VP1 वायरल प्रोटीन 1 से लेके वायरल प्रोटीन 4 और साथ में वायरल प्रोटीन 6 एंड वायरल प्रोटीन 7, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, इनको कोड कौन करेगा, आरएनए सेगमेंट। एंड 6 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होते हैं, कौन से, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 से नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 6, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में समझ में आ गया, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पहले हमने स्ट्रक्चर देखे फिर हमने जेनेटिक मटेरियल देखा, ठीक। अब बात करते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है अप्रोक्स 2 डेज का होता है, ठीक है, 2 दिन का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सपोज ये एक ह्यूमन है, ठीक है, इसके अंदर ये वायरस है एंट्री मार दिया, तो एंट्री से लेके इस पर्सन के अंदर जो साइन एंड सिम्टम आएंगे, इन दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, अप्रोक्स 2 डेज में होता है, क्लियर। अब बात करते हैं रोटा वायरस। हमने रोटा वायरस का बेसिक देख लिया कि रोटा वायरस आखिर कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर होती है। अब रोटा वायरस जो है मोस्ट कॉमन काज है सीवर गैस्ट्रो एंटेराइटिस। गैस्ट्रो एंटेराइटिस इसका मतलब क्या था, गैस्ट्रो मतलब स्टमक रिलेटेड, एंटेराइटिस मतलब इंटेस्टाइन, तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड ये डिजीज करता है, क्या करता है, एंटेराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन कर देता है। आइटिस लग रहा है तो क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टमक, ठीक है, ये करता है, इंटेस्टाइन जो होती है ना उसका इन्फ्लेमेशन कर देगा, ठीक। और ये जो इन्फ्लेमेशन करता है यंगर चिल्ड्रन में ज्यादा करता है, किस में ज्यादा करता है, यंगर चिल्ड्रन में। अब यंगर चिल्ड्रन कौन से मानते हैं, यंगर चिल्ड्रन जो है 5 ईयर ओल्ड से पहले वाले यंगर चिल्ड्रन में ये ज्यादा करता है, ठीक है। अब गाइस बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस है, डेवलपिंग क्या होता है, डेवलपिंग मतलब जो अभी डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे इंडिया है हमारा, ठीक है, इनके अंदर जो रोटा वायरस इन्फेक्शन है ये मोस्ट कॉमन काज है इन्फेंट मोर्टिलिटी डेथ का, ठीक है, जो इन्फेंट्स की डेथ होती है उसका मेन रीजन जो है रोटा वायरस भी आता है, मेन रीजन में आता है रोटा वायरस का इन्फेक्शन, क्लियर। अब गाइस रोटा वायरस जो है इसके 10 स्पीसीज होती हैं, क्यों क्या होती हैं, 10 स्पीसीज होती हैं, ठीक है, रोटा वायरस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे तक, ठीक है, 10 स्पेसीज होती हैं। और काज मोस्ट, और जो स्पेसीज ए है वो ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाने के चांस उसके ज़्यादा रहते हैं, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे क्या करना है हमें। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब हमने पढ़ लिया कि रोटा वायरस क्या क्या करेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन करेगा, ठीक, इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन करेगा, ठीक है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड हमने देखा, ठीक है, और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में उसका हाथ होता है, ठीक है, और 5 ईयर ओल्ड से छोटे बच्चों को ये इन्फेक्शन फैलाएगा, और जो 10 डिफरेंट स्पेसीज है रोटा वायरस की जिसमें स्पेसीज ए जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट होती है, क्लियर, समझ में आ गया। अब बात करें हम कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। देखो ये ह्यूमन है, ठीक है, अब ये रोटा वायरस है, अब ये इस ह्यूमन के अंदर किस किस मोड के अंदर, मोड से इसके अंदर एंट्री मारेगा, ठीक है, कैसे मारेगा। सपोज ये एक ह्यूमन है, ये एक ह्यूमन है, ठीक है, इस ये ह्यूमन जो है कंटामिनेटेड है, इसके अंदर रोटा वायरस का इन्फेक्शन है, रोटा वायरस का इन्फेक्शन है, ठीक है, ये इसका एक भाई है, ये इसका एक भाई है, ठीक है, भाई है इसके अंदर, ये हेल्दी है, हेल्दी है, तो क्या होता है, क्या होता है, इसने ये इन्फेक्शन, इसने कंप्यूटर चलाया, कीबोर्ड चलाया, कीबोर्ड कंप्यूटर इसके घर में है, इसने कीबोर्ड से टाइपिंग की, कुछ काम था इसको चला लिया। अब इसका भाई जो है छोटा है, ये फिर उस कीबोर्ड पे गेम खेलने आया, तो उस कीबोर्ड पे इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि कंटामिनेटेड सरफेस से भी इन्फेक्शन होता है रोटा वायरस का, तो ये जो है इन्फेक्शन जो कीबोर्ड पे जो है, कीबोर्ड पे जो माइक्रोब्स हैं वो यहाँ पर आ गए, और ये हेल्दी जो बंदा है, भाई है, ये इससे भी, इसके भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा, तो कंटामिनेटेड सरफेस से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्लियर हो गया। फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर कैसे, फूड एंड वाटर जो आप मान लो आप कहीं कहीं का पानी पी रहे हो, कोई भी नल का, और वहां पे रोटा वायरस इन्फेक्शन हो गया, तो वहां से भी जो है डेवलप हो सकता है यहाँ पर रोटा वायरस इन्फेक्शन, तो ट्रांसमिशन समझ में आ गया, फूड एंड वायर, ठीक, फूड एंड वाटर एंड कंटामिनेटेड सर्फेस, ठीक। नेक्स्ट सीजन का भी इफेक्ट पड़ता है, जो विंटर सीजन है उसमें रोटा वायरस इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो ज्यादा रहता है, क्लियर। फिको ओरल ट्रांसमिशन, ये इंपॉर्टेंट चीज रखनी है आपको, फिको ओरल ट्रांसमिशन, जो फिकल मैटर है, देखो ये इन्फेक्टेड है, ये पर्सन है, इसके अंदर ये चला गया रोटा वायरस इन्फेक्शन, ठीक है,
तो ये जो पर्सन है ये फीकल मैटर में रोटावायरस को शेड करेगा, फीकल मैटर जब ये फ्रेश होने जाएगा तो जो फीकल मैटर है उसके अंदर रोटावायरस को शेड करेगा। और ये जो फीकल मैटर अगर वाटर ड्रिंकिंग वाटर से कंटामिनेटेड हो गया, जो फीकल मैटर इसने फ्रेश के अंदर सिक्रेट किया, ठीक है, तो ये वाटर से जैसे ही कंटामिनेटेड होएगा, वाटर इस फीकल मैटर से जैसे कंटामिनेटेड होएगा, और ये जो कंटामिनेटेड वाटर है ये अगर नॉर्मल ह्यूमन पिएगा, हेल्दी ह्यूमन पी लेगा उस वाटर को, तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो फिको ओरल ट्रांसमिशन एक इम्पोर्टेंट रूट है इन्फेक्शन कराने का। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर कौन कौन से, देखो यंग चिल्ड्रन रिस्क फैक्टर है, ये मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। केयर टेकर, केयर टेकर क्या होता है, जो यंग चिल्ड्रंस की देखभाल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं केयर टेकर्स, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्या होता है गाइस, जिनका इम्यून सिस्टम क्या होता है बहुत डिक्लाइन हो चुका है, उन पर्सन में ये जो रोटा वायरस है ये अपना एग्रेशन शो करता है। रोटा वायरस इज हाईली कंटेगियस, हाईली कंटेगियस का मतलब क्या होता है, हाईली कंटेगियस मतलब बहुत छोटी अमाउंट ऑफ, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटा वायरस चाहिए इन्फेक्शन कराने के लिए, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटा वायरस ही चाहिए। एक क्या होता है हाईली कंटेगियस मतलब छोटा सा अमाउंट रोटा वायरस के जीनोम का चाहिए होता है इन्फेक्शन कराने के लिए, ठीक है, उसका मतलब हाईली कंटेगियस। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, हम पैथोजेनेसिस कैसे देखें, देखो यहाँ से ध्यान से देखना गाइस, ये बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा समझने वाला कंसेप्ट है। ये हमारे पास रोटा वायरसेज हैं, ये क्या है सारे रोटा वायरस, ये रोटा वायरस, चार रोटा वायरस बना दिए, ठीक है। रोटा वायरस का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये ब्रश बोर्डेड एंजाइम्स जो होते हैं उनको क्या करता है, उनका डिक्लाइनेशन करता है। ब्रश बोर्डेड एंजाइम जो होते हैं जैसे सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, इनका क्या करेगा ये इनको डिग्रेड करता है और इनका अमाउंट कम हो जाएगा। इनका अमाउंट जैसे ही कम होगा, अब सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज का मेटाबॉलिज्म करता है ताकि वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन ये जो एंजाइम्स हैं ये डिक्लाइन हो रहे हैं तो सुक्रोज जो है ये बढ़ जाएगी जो इंटेस्टाइन ल्यूमन के अंदर। अब देखो ये एंजाइम है ही नहीं, सुक्रेज माल्टेज लैक्टेज एंजाइम है ही नहीं, तो जो सुक्रोज है, माल्टोज जो शुगर है, लैक्टोज जो शुगर है, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वो बढ़ जाएंगी, इंक्रीज सुक्रोज, ठीक है। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ल्यूमन के अंदर वो उनका अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। तो इंक्रीज सुक्रोज, इंक्रीज माल्टोज एंड इंक्रीज लैक्टोज, ठीक है, ये जीआई ल्यूमन के अंदर बढ़ गया। अब देखो यहां पर एक चीज देखते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन है, ये हम ये देखो ये क्या है, म्यूकोसा, दिस वन इज म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, ये क्या है ल्यूमन, मान लो ल्यूमन, ठीक है। अब इस ल्यूमन के अंदर ये सारे एंजाइम्स जो हैं, ये सारी जो शुगर्स हैं ये बढ़ गए, सुक्रोज बढ़ गया, माल्टोज बढ़ गया एंड लैक्टोज बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही बढ़ गया तो ये जो है ल्यूमन हाइपरटोनिक हो गया, जो ल्यूमन है ये क्या हो गया गाइस, हाइपरटोनिक, क्या हो गया, हाइपर टोनिक, मतलब कंसेंट्रेशन बढ़ गया। तो क्या होता है, होता क्या है ऑस्मोसिस में, क्या होता है लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में सोल्यूट जाते हैं, तो वाटर जो है इस म्यूकोसा से यहां पर ल्यूमन में जाने लग जाएगा। वाटर जैसे ही ल्यूमन में जाएगा तो इस वाटर ल्यूमन में आ जाएगा और डायरिया प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ऐसे डायरिया को बोलते हैं ऑस्मोटिक डायरिया। समझ में आ गया कि ब्रश बोर्डेड एंजाइम्स कम होंगे, ब्रश बोर्डेड एंजाइम जैसे कम होंगे वैसे ही जो शुगर्स के अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, शुगर्स के अमाउंट ल्यूमन में बढ़ेगी तो म्यूकोसा से क्या आएगा, वाटर ड्रॉ हो जाएगा, और जैसे वाटर ड्रॉ होएगा फ्रॉम जीआई म्यूकोसा इनटू जीआई ल्यूमन, इसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक डायरिया। समझ में आ गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, रोटावायरस एंटरोटॉक्सिन रखता है NSP4, ठीक है, वो डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट करता है इन जीआई म्यूकोसा पे, ये आपको ध्यान में रखना है, रोटावायरस एंटरोटॉक्सिन NSP4। एक और मैकेनिज्म है गाइज, रोटावायरस जो होता है एंटरिक जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जो एंटरिक नर्वस सिस्टम है उसका क्या करता है, ओवर एक्टिवेशन कर देता है। एंटरिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना उसका ओवर एक्टिवेशन कर देगा, और जैसे ही ओवर एक्टिवेशन कर देगा वैसे ही म्यूकोसा से H2O और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही H2O और इलेक्ट्रोलाइट्स ल्यूमन में जाएंगे तो वैसे ही वाटरी डायरिया प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की क्या क्या करता है ये रोटावायरस। नेक्स्ट
रोटा वायरस के साइन एंड सिम्टम देखें तो डायरिया मैंने बता दिया, ऑस्मोटिक डायरिया हो सकता है, वाटरी बोलेंगे उसे, एंड नॉट ब्लडी, ब्लडी डायरिया यहाँ पर नहीं होता। तो ये डायरिया सिम्टम आ जाएंगे तो पेशेंट बार बार यहाँ पर फ्रेश होने जाएगा। क्लियर। नोजिया एंड वॉमिटिंग इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, फीवर हो जाएगा, फटीग एंड मलेशिया, ये देखो ये मलेशिया का फीचर है। ठीक है, बहुत ऐसे मतलब झंझनाहट रहेगी, ठीक है, ड्राउजीनेस सी रहेगी। ठीक है, सीवर डिहाइड्रेशन, डायरिया हो रहा है तो सीवर डिहाइड्रेशन होगा। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएगा, जो टंग है आपकी वहां पर ड्राइनेस सी दिखेगी। ठीक है, एक्जिला जो है वहां पर भी स्वीट नहीं आएगा, स्वेट जो होता है वो नहीं आएगा, और ड्राई रहेगी एक्जिला, और डिक्रीज स्किन टर्गर। ठीक है, स्किन की मॉइस्टनेस है वो भी यहां पर कम हो जाती है। क्लियर गाइज, ये सारी चीजें। रोटा वायरस के अदर क्लिनिकल फाइंडिंग्स हम देखें तो चिल्ड्रन जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एग्जिबिट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं उनके, और न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स भी एग्जिबिट कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या आता है, एंसिफिलाइटिस आ गया एंड देन सीजर्स आ गए, एंसिफिलाइटिस एंड देन सीजर्स यहाँ पर आ गए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एंसिफिलाइटिस, सीजर्स। क्लियर। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देखें तो लेबोरेटरी फाइंडिंग में गाइस जो रोटा वायरस जैसे इन्फेक्शन होता है तो रोटा वायरस जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन उसका बढ़ जाता है, जो ब्लड के अंदर यूरिया नाइट्रोजन जो होता है वो बढ़ जाता है, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ने में क्या इंडिकेशन है, ये डिहाइड्रेशन में बढ़ता है। तो जैसे ही ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा ब्लड के अंदर, ये हमें क्या बताएगा कि पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, मेटाबोलिक एसिडोसिस भी करता है कि एसिड बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। ठीक, और जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो नॉर्मल रहती है। ठीक है, और जो फीकल मैटर है उसके अंदर ल्यूकोसाइट काउंट माइल्ड ल्यूकोसाइट्स पाई जाएंगी। तो ये हम ऐसे लेबोरेटरी डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक, सिम्टम्स जो है 2 से 8 दिन तक बीच में रहेगा, 2 से 8 दिन तक लास्ट करता है सिम्टम्स रोटा वायरस इन्फेक्शन का। ठीक, और जो वायरल सेडिंग है, जो रोटा वायरस पेशेंट है वो 10 दिन तक वायरल सेडिंग कंटिन्यू रखता है, मतलब फीकल मैटर के अंदर वायरस पार्टिकल्स 10 दिन तक आते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, स्टूल डिटेक्शन, रोटा वायरस जो स्टूल है, पेशेंट जो इन्फेक्टेड है उसका स्टूल लेंगे, देन हम एलिसा कर सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे एंड पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, स्टूल लेके। क्लियर। ट्रीटमेंट हम कैसे करें, सेल्फ लिमिटेड इन्फेक्शन है, अपने आप सही हो जाता है, लेकिन कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम चीज़ें दे सकते हैं और अस टाइप। अगर वॉमिटिंग है तो ओंडासेट्रोन, ओंडासेट्रोन वॉमिटिंग यहाँ पर रेगुलेट करेगा। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, आप फिकल प्रिवेंशन मतलब पीएसएम में आप पढ़ोगे उसमें क्या कर सकते हैं, रोटा वायरस वैक्सीनेशन कर सकते हैं, वैक्सीन कर देंगे सबको ताकि रोटा वायरस होए नहीं, और हाइजीन मेंटेन करेंगे ताकि जो फिकल मैटर है, फिकल मैटर का वाटर के साथ कंटामिनेशन ना हो, फिकल मैटर और वाटर का कंटामिनेशन ना हो, तो वो प्रिवेंशन हम ध्यान में रखेंगे। क्लियर गाइस। तो ये सारा हमारा सिस्टम था, पूरा लेबोरेटरी फाइंडिंग हमने पढ़ा, हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे, पैथोजेनेसिस देखी, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी नोट्स आपको चाहिए रिलेटेड अच्छी सुथरी लाइट साफ सुथरी राइटिंग में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अनुराग सैनी MBBS। कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल इंस्टाग्राम को फॉलो करके कोई भी डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू गाइज।